जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों, 5:03 और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आप सब ने देखा है कि निफ्टी ने पिछले दो बार 14900 के ऊपर ही बंद किया नीचे लाने के बावजूद, लेकिन कल पहली बार इसने 14900 के नीचे बंद किया और आज सुबह ऐसे शुरुआत किया कि लगा कि आज सीधा 15000 ले जाएगा, लेकिन फिर से इतना बड़ा करेक्शन दे दिया कि 14500 तक का भी फिगर दिखा दिया, तो बहुत बड़ी बात है। 4467 का पिछला लो था, आपको याद होगा, जो 26 तारीख को बना था 467, आज 478 का डबल बॉटम का टाइप का लो बनाया है, डबल बॉटम जैसा आप मान सकते हो, 478 का आज लो बनाया। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको डेली चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा निफ्टी में क्या हुआ है। तो निफ्टी में एक बार मैं डेली चार्ट पे पहले आता हूँ, फिर मैं आपको आज के इस वीडियो का उद्देश्य बताऊँगा। बाकी वैसे मैंने आप लोग को बोल ही चुका हूँ कि कल 14800 के ऊपर निफ्टी जाएगा क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, कल फ्राइडे भी है याद रखिएगा। तो पहले आपको खाली ये बता देता हूँ कि आज निफ्टी में क्या हुआ है डेली वाला। अब देखिए, ये याद होगा आपको 26 तारीख को निफ्टी यहाँ पे आया था 14467, ये लगभग डबल बॉटम आज जैसा बनाया है। देखिए आप, 26 फरवरी को आपको याद होगा निफ्टी 14467 का लो बनाया था और उसी दिन 529 पे क्लोज किया था, 529 के ऊपर क्लोज किया था, और अगले दिन 1, 2 और 3 दिन के अंदर ओनली इन 3 डेज 15273 का हाई बना दिया। ये सबको याद होगा, मैंने बोला था कि 15500 तक जाएगा, तो वो गया कहाँ तक था, 15336 तक गया, इसी लेवल पे मेरी बातचीत थी, आपको याद, वहाँ मैं राइट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने 16000 की बात की तो ये नीचे आ गया वापस, क्योंकि यहाँ एक तरह से गद्दारी जैसा हुआ, जो लोग यहाँ शॉर्ट में गए उनको कोई मौका नहीं मिला वापस अपना शॉर्ट काटने का और मार्केट ऊपर ही ऊपर गया। लेकिन एक सर्कल बना के, राउंडिंग टॉप बना के, ये अच्छा खासा नीचे आ गया, एक इसको आप बोल सकते हो एक राउंडिंग टॉप जैसा बनाया इसमें। आप इसमें अगर ड्रॉ करोगे तो एक ऐसा घूम के बुद्धू घर को वापस आए। अब ये बड़ी गिरावट कब आ सकती है, जब जो 529 का क्लोजिंग आई थी उस दिन 26 फरवरी को, उसके नीचे अगर दो कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग दे दे निफ्टी, दो कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग दे दे, अब ये डबल बॉटम को मानेगा तो हो सकता है ये एक बड़ी रैली यहाँ से दे सकता है, और चांसेस इसलिए भी ब्राइट है क्योंकि पीसीआर भी 80 के आसपास है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड है। इस हिसाब से मार्केट कल 200-250-300 पॉइंट भी दिखा सकता तेजी, पहला पॉइंट 200 से लेकर 300 पॉइंट की तेजी कल दिखा सकता है और सस्टेन करता कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आ जाइए, ये तो मैंने आपको निफ्टी का एक पिक्चर बताया, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ, मेरे 3 कॉल्स है फॉर अप टू 31 मई, ये वीडियो 31 मई तक लागू रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले निफ्टी का बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने चार्ट में, यहाँ समझाने का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, सब कुछ करने के बाद ही आपको ये सब लिखा हूँ। आज की क्लोजिंग आई है 14557। डिस्क्लेमर आप लोगों ने देख लेना, ये भैया मेरे पर्सनल व्यू है, आपका लॉस प्रॉफिट का कोई जिम्मेदार नहीं है ये चैनल, आप अपना सोचिएगा। तो वो डिस्क्लेमर आपको पढ़ना है, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे पर्सनल व्यू है, मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है 14557 की आज क्लोजिंग आई है, टारगेट है 15600, 15900 और 16200, ये 3 टारगेट मैं दे रहा हूँ। टिल कब तक के लिए, यहाँ पे लिखना भूल गया, टिल 31 मई, यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट इज अचीवेबल टिल 31 मई 2021।
ये टारगेट्स जो दिया हूँ मैं, इनका वैलिडिटी कब तक है? 31 मई तक। तो जो लोग ये वीकली कॉल पुट लेते हैं उनके लिए नहीं है, है ना? तो ये 31 मई तक का टारगेट है। कितना? 15,600, 15,900, 16,200, ये तीन टारगेट है। और आज की क्लोजिंग है 14,557। स्टॉप लॉस भी सुन लीजिए, 557 की क्लोजिंग है। और स्टॉप लॉस क्या दे रहा हूँ? एनी टू डेली, दो कोई भी दो दिन 529 के नीचे निफ्टी क्लोज कर दे, कोई भी दो दिन कंटिन्यूस दो दिन, नॉट एक बार एक गैप नहीं, आज और कल दोनों दिन अगर 529 के नीचे क्लोज कर दे तो स्टॉप लॉस है। और आज की क्लोजिंग 557 है। अगर आप देखो तो अगर पॉइंट गिनो तो ये 20-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है, और टारगेट बहुत बड़ा है। ये निफ्टी का हो गया, ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया हूँ। ये 31 मई तक लागू रहेगा। और ये 529 कैसे चुना? क्योंकि फरवरी मंथ की क्लोजिंग थी 14,529। तो मार्केट अपने टॉप से करेक्शन करके अभी तक फरवरी मंथ की क्लोजिंग भी नहीं आ पाया है, तो मंदा कहाँ से है? कोई भी मंदी नहीं है। क्यों मंदी नहीं है ये भी बता रहा हूँ। इतना गिरावट के बाद अभी तक तो फरवरी मंथ की क्लोजिंग भी ये इसके भी ऊपर ही क्लोज है अभी तक, ये फरवरी मंथ की। अभी तक सोचिए मार्च से ये तेजी आई थी मार्केट में, तो अभी तक तो जो सेकेंड लास्ट तेजी थी हाईएस्ट, उसका मंथ की क्लोजिंग भी हम ब्रीच नहीं कर पाए हैं, तो मंदी क्यों देख रहे हो? तो ठीक है, अब आ जाइए क्यों मंदी नहीं है। और एक कारण, ये मंथली आरएसआई अभी भी 68 पे बहुत साउंड है। मंथली एडीएक्स जो है पॉजिटिव एडीएक्स 34 है, नेगेटिव एडीएक्स 16 है, ये अपने आप में पॉजिटिव साइन है। मंथली स्लो स्टॉकिस्टिक 87 है, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है, करेक्शन जरूर आया, लेकिन मंथ ऑन मंथ ये बड़ा टारगेट ही अचीव करने वाला सिग्नल दे रहा है, जब तक कि ये 529 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं करे। पहले हमारी 900 वाली बात तो फेल हो गई, थप्पड़ पड़ गए, आज नहीं पढ़ने थे वो भी, ठीक है, लेकिन आपको सुबह सुबह झलक दिखाया। बोले ना आपने, बोला थप्पड़ तो पड़ेंगे लेकिन आशीर्वाद सुबह सुबह दिखाया, 900 तक खींचा, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था वहाँ तक लाया आज, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में भी सुन लीजिए, ये मंथली चार्ट ही है। टुडेज क्लोज इज 33,856, टारगेट इज टिल 31 मई। कितना टारगेट है? पहला टारगेट है 42,000, एक ही टारगेट है 42,000, 33,856 पे बंद हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस कितना है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 32,500 के नीचे, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम जो दो ऑल टाइम हाई 2020 में था वो था 32,613, जो कि ये वाला था। तो ये सारे बड़े टारगेट्स में दे रहा हूँ, सब 31 मई तक अचीव भी होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा सा सोच समझ के मार्केट में खेलिएगा, और कोई भी स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो ये 1100-1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं है, 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट दे रहा हूँ 9000 पॉइंट की, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रहा हूँ, 31 मई तक का ही मांग रहा हूँ। तो ये हो गया बैंक निफ्टी, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, आप लोग भी सेव कर लीजिए अगर चाहिए तो। अब आज तीसरा मेरा आइटम है एसबीआई के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। एसबीआई की आज की क्लोजिंग है 367, टारगेट है 575 प्लस विद इन 31 मई 2021, 31 मई 2021 तक ही ये टारगेट अचीवेबल है। स्टॉप लॉस है कोई भी दो क्लोजिंग 348 के नीचे हो जाए, क्योंकि 350 एक लेवल था जो पिछले 10-12 साल में कई बार हाई बना है। ऐसे तो 373 भी बना, लेकिन 350 कई बार बना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे दो क्लोजिंग 348 के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। आज की क्लोजिंग 367 है, और यहाँ पे भी 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ, बड़ी बात है, इसको भी सेव कर। तो यही वीडियो है आज का ये, और कल तो ऐसे भी तेजी है, कल के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, सीधा बोल रहा हूँ कि कल तेजी है, लेकिन कल वाली तेजी सस्टेनेबल नहीं है या है वो तो मार्केट बताएगा, लेकिन कल चांसेस बहुत है कि कल हम क्लोजिंग भी 800 के ऊपर ही करें, 100 में से 90% चांस है। और ये तीनों जो है ये 31 मई तक के टारगेट्स है,
आप चाहो तो आप अपने यहाँ पे भी ये सब की फ़ोटो ले लेना और रख लेना, स्टॉप लॉस भी साफ बताया हुआ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।